So, dear students, under the chemical kinetics, as you know well, it is very important chapter with respect to numericals. Or if you will properly grip its theme, then the related chapter appears very easy. क्योंकि मैकेनिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, केमिस्ट्री भी मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट. तो इसमें जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, बेसिकली रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक उसी में वर्ड होता है इंस्टेंटेनियस. रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज दिस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? क्या है इंस्टेंट? एक वर्ड समझने का प्रयास करना. रेट ऑफ रिएक्शन तो डिस्कस करना है, बट ऑन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी रिएक्शन की जो रेट होती है, दैट इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. मीन्स देखिए, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टाइम. इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसका नाम हो गया. द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. अभी तक जैसे आप देखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन तो पर यूनिट टाइम में कन्वर्ट होता है, एक सिंपली आइडेंटिफाई करते हैं उसे. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन थी टाइम इंटरवल में, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम दिया रहता था. अब इसमें इंस्टेंट टाइम पर, इंस्टेंट मतलब पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे सपोज कहा जाए, एक है 10 मिनट में रिएक्टेंट का इतना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो उसकी रेट निकालिए. तो मान लीजिए 10 मिनट में 20 मोल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो उसमें कंसंट्रेशन कन्वर्ट हुआ वो 20 मोल से, मोल पर लीटर, और उसमें लगा समय 10 मिनट है, तो टोटल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया. लेकिन यदि आपसे कहा जाए यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 10th मिनट, 10th मिनट मींस 10वें सेकेंड में रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन इन 10 मिनट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 10th मिनट. 10 मिनट एक इंटरवल ऑफ टाइम है, क्वांटिटी है टाइम की, और 10th मींस 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 10th यानी 10वें मिनट में रिएक्शन की रेट निकालिए. दोनों में मेजर डिफरेंस है. तो इसमें जो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पर निकालना 1 मिनट का, लेकिन 10वें मिनट में, 12th मिनट, 3rd मिनट में, 20th मिनट में यह जो निकालना होता है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर किसी रिएक्शन की जो रेट होती है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इसको समझने का बहुत अच्छी तरह से प्रयास करिए. ओके, एक और इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है, जैसे ग्राफिकली वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट, ग्राफिकली भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. और वैसे फॉर्मूला तो वही पर्टिकुलर लगता है टाइम का, dx over dt, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. अब आप कहेंगे सर